अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुबह बखैर। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, आज का व्लॉग जो करते हैं जी शुरू। बतखें जो है वो आजकल दाना तो उनका ज़रा कम खा रही हैं, और वैसे इधर कोई आए तो बाकी भी सारी आ जाती हैं कि हमें दाने डालें, मगर जो दाने पड़े होते हैं वो नहीं खाती, बहुत कम खाती हैं। तो ये देखें सारी अंदर भाग गई हैं, बाकी जो है वो भी आ गई हैं। एक बतख जो है वो अकेली वहाँ पर खड़ी है, अकेली यहाँ पर खड़ी होकर पानी पी रही है, तो बाकी जो है वो भी भागती हुई इधर को आ गई हैं। उन्हें आइडिया हो रहा था कि शायद मैं दाने लेके आया हूँ, तो दाने जो है वो अबूजान डाल चुके हैं इनको। अबूजान ने बतखों को दी है जी आवाज़, तो ये सारी भागती हुई बाहर चली गई थी और फिर अंदर आ गई हैं। तो आज एक मुर्गी जो है वो मर गई है, उल्टे परों वाली मुर्गी थी पड़ी टाइम में। तो रात को जो है ये बिल्कुल ठीक थी, मगर सुबह जब अबूजान खोलने गए हैं तो ये मरी पड़ी थी। तो ये मुर्गी जो है वो भी एक ख़ास क्वालिटी की मुर्गी थी, इसके पर जो है वो आम मुर्गियों की निस्बत उल्टे पर थे, तो पता नहीं रात को अचानक क्या हुआ इससे और ये डरबे में मरी हुई पड़ी मिली है। मैं अबूजान के साथ गपशप लगाने लग गया था तो बतखें जो है वो बाग में से कहीं भाग गई हैं, कोई भी बतख जो है वो बाग में कहीं नज़र नहीं आ रही, पता नहीं अब डरबे में चली गई हैं या कहीं और भाग गई हैं, मगर डरबे में लग नहीं रही हैं। डरबा तो खाली है, डरबे में सिर्फ एक ही मुर्गी है। तो इस साइड से कहीं से आवाज़ जो है वो बतखों की आ रही है, देखते हैं किधर भाग गई है सारी की सारी। ये एक बतख तो ये खड़ी है, इसकी यही आवाज़ आ रही है, यही बोल रही है, मेरे ख्याल में ये उनसे अलहदा होगी इस वजह से ये शोर कर रही है। ये तो इस साइड पे भी नहीं है कहीं पे, तो जो अबूजान आवाज़ दे रहे हैं मगर वो कहीं भी बोल नहीं रही हैं, पता नहीं किस साइड पे निकल गई हैं। तो ये रही, ये देखें कहाँ पे आई हुई हैं, वो खेतों में निकल गई हैं। ये यहाँ पे चेक करें, ये इधर खेतों में आ गई हैं। तो मौसम आज भी जो है वो आबरलूद है, तकरीबन पिछले 4 दिन से जो है वो लगातार बारिश हो रही है और मौसम जो है वो कुछ ऐसा ही हो रहा है। वैसे यह है कि देखने में मौसम काफ़ी खूबसूरत है, मगर जहाँ पे कच्चा होता है वहाँ पे सूरत हाल कुछ ऐसी हो जाती है, वहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। बतखों की तो अय्याशी है क्योंकि इन्हें पानी में जो है वो काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी घूमती फिरती हैं पानी में। अभी इनको लेके चलते हैं बाग में, क्योंकि इनको बंद करके जाना है, हमारा प्रोग्राम है जी जाने का फार्म हाउस की तरफ। चलो 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 चलो, भागो 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 भागो, किधर को जाना है, एक ही साइड को चलो सारी, चलो 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 चलो, भागो 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 भागो। तो ये लाइन बना के जा रही हैं अब, चलो 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 चलो। तो ये रही अबूजान के सामने आके सारी खड़ी हो गई हैं और ऐसे शोर कर रही हैं जैसे शिकायत लगा रही होती हैं। फार्म हाउस पे लेके जाने के लिए अबूजान ने चीज़ें जो है वो निकाल ली हैं, एक खुरपा और ये बीज वगैरह। तो ये कौन बेटा उठा है? तो जी भजिया बेटा भी उठ गया, तो जूता पहने बगैर ही बाहर भाग आया है। फेस वॉश कर लिया, दिखाओ ना इधर को, कोई नहीं किया हुआ। तो आज आँख जो है वो थोड़ी सी मुझे फातिमा की रेड हो रही है, ऊपर से स्वेलिंग में है। क्या हुआ आँख पे? आई हुई है, मच्छर ने तो नहीं काटा? मच्छर ने नहीं काटा? तो फेस वॉश कर लो फिर जल्दी जल्दी, फिर नाश्ता करें। तो जी आप फातिमा पहन लेगी जी भाई वाली चप्पल ही, यही चप्पल पहन लो भाई वाली। चलो करो, वाह मुंह भी तो धो लो ना। जी अब बेटा खुद ही मुंह धो लेता है। तो मुर्गियां जो है वो भी इधर आ गई हैं, आज ये घूम रही हैं सारी।
तो ये बेटे ने मुंह धो लिया और अभी बहुत पारा पारा बेटा हो गया है और अभी मुझे एक पारी भी देगा। शाबाश, अब नाश्ता करें, मैंने तो कर लिया, आपने करना है ना, जल्दी जल्दी जाके कर लो, आप उठे ही लेट हो। सब्जी फातिमा के लिए तैयार हो रहा है जी, आलू और गोभी वाला पराठा, और वो भी तैयार कर रही है अम्मी जान। तो मामू शाह नाश्ता कर रहा है अंडे और ब्रेड का, करता है जी मॉडर्न नाश्ता, और विजया फातिमा कर लेती है देसी नाश्ता, पराठा चोपड़ी हुई मक्खन के साथ, रोटी अचार, ऐसे ही है ना। तो विजया फातिमा ने भी ब्रेड जो है मुँह में डाली, अभी बोला ही नहीं जा रहा। तो ये रे अजमत साहब, अजमत साहब फार्म हाउस पे नहीं जाना, तो आज वीडियो जो है वो मोबाइल पे एडिट कर रहे हैं जी, आज मोबाइल पे एडिट कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ ट्रिप पे जाना, तो उसकी जो है वो प्रैक्टिस बनाएंगे, क्योंकि हमें जो है वो मोबाइल पे एडिट करना पड़ेगा, लैपटॉप साथ उठा के जाना साइकिल पे काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए अपने वेट को लाइट करने के लिए बैग मैंने ले लिया, चाबी ले लेते हैं मोटर बाइक की। विजया फातिमा से इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज। मौशा से भी इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग फार्म हाउस पे पहुंच गए हैं। मोटरसाइकिल जो है वो आज मैं इधर ले आया हूँ, पहले हम वहाँ पे खड़ी किया करते थे रास्ते के पास, मगर आज मैं जो है वो आगे ले आया हूँ। तो अभी फार्म हाउस के इर्द गिर्द जो है वो कुछ पानी खुश्क हो गया, कल भी बारिश हुई थी मगर पानी जो है वो निकाल दिया था, ऐसे खाला सा छोटा सा बना के तो पानी निकाल दिया था, जिसकी वजह से पानी जो है वो इसके इर्द गिर्द से तो कम हो गया, और साइडों पर खेतों में जो है वो अभी खड़ा है। तो अभी चलते हैं जी छत पर, तो छत पे जो है वो अभी तक पानी खड़ा है और भरा पड़ा है छत, कि इसके ऊपर मज़ीद पानी जो है वो नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि अभी इस पानी को खुश्क होने देंगे। वैसे तो बारिश जो है वो रोज़ाना ही हो रही है, आपके सामने है मौसम जो है, तो इस वजह से पानी हमें तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए चढ़ाना पड़ा, उसके बाद पानी चढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बारिश की वजह से पानी जो है इसके ऊपर काफ़ी हो जाता था, वो अभी वैसे ही रोक देंगे कि अभी पानी ऊपर नहीं चढ़ाएँगे। अबू जान जो है वो चीज़ें तैयार करके आ गए हैं, तो आज हमारा प्रोग्राम है जी खेतों में थोड़ा काम करने का, खेतों में क्या काम करेंगे वो चल के आपको बताते हैं। और रोड के ऊपर से मुझे शक हुआ था कि अजमत आया, मगर अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा, कहीं रास्ते में रुक गया, तो अभी मोटरसाइकिल की दोबारा से आवाज़ आई है, मेरे ख्याल में आ गया। तो अजमत आज 70 पे हीरो बना हुआ आ रहा है, घूम रहे हैं वहाँ पे सारे जानवर किधर, तो चलो जी अभी खेत में जो है वो काम शुरू करते हैं, काम क्या करना है वो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, फिर उसके बाद शुरू करेंगे। तो अबू जान काम के लिए कौन कौन सा औजार लेके आए हैं वो देखते हैं, ये कई लेके आए हैं, उसके अलावा खुरपा और उसके अलावा बीज हैं जी तोरी। तो आज के हमारे काम में शामिल है जी ये जो कद्दू की बेलें लगी हुई हैं, इनको माशाल्लाह कद्दू लगना शुरू हो गए हैं, और इनके खालियां जो है वो सीधी कर देंगे, क्योंकि घास जो है वो काफ़ी उग चुकी है, और एक तो खालियां सीधी हो जाएंगी, दूसरा घास जो है वो इसमें से उखाड़ देंगे, और इसी तरह इनको वो खेत के एंड तक जो है वो ले जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे लगी है गिया तोरी के फूल जो है वो भी माशाल्लाह लगना शुरू हो गए हैं, और इनकी जो खाली है वो भी सीधी कर देते हैं ताकि इनको पानी लगाने में जो आसानी रहे। तो वैसे तोरियाँ जो है वो भी बनना शुरू हो गई हैं, ये देखें गिया तोरी की तोरी, ये वैसे ख़राब हो गई है और गिर गई है, मेरे ख्याल में किसी जानवर का पाँव इसके ऊपर आ गया तो ये ख़राब हो गई है। तो इनकी खेलें जो है वो सीधी कर देते हैं ताकि जब इनको पानी की ज़रूरत हो तो पानी भी लगा लिया जाए, क्योंकि इससे पहले तो ज़रूरत नहीं पड़ी, गाय वगैरह बारिश जो है वो होती रही है, मगर अभी बेलें जो है वो भी बड़ी हो रही हैं, और उसके अलावा पानी की ज़रूरत भी पड़ सकती है, इसलिए इनको जल्दी से सीधा कर देते हैं। खेल थी वो हमने साफ़ कर दी है वो एंड तक, और अभी कद्दू की जो बेलें हैं उनके गिर्द मट्टी लगा लेंगे और उनके गिर्द गोडी जो है वो कर लेंगे। ये मैंने चंद पौधों की जो है वो गोडी की है गिर्द से, और साथ इनके मट्टी लगाई है, ये
और इसी तरह इस खेल पे जितनी कद्दू की बेलें हैं उनके गिर्द कई के साथ एक तो साफ़ कर लेंगे, दूसरा उसके गिर्द मिट्टी जो है वो लगा देंगे। जब हमने खेतों में काम शुरू किया था उस वक्त बादल जो है वो बिल्कुल छटे हुए थे और धूप निकली हुई थी, मौसम बिल्कुल साफ़ था, मगर अभी फिर से जो है वो बादल हो गए हैं और बादलों का जो व्यू है वो तो माशाल्लाह दीदा जेब, आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि ऐसा प्यारा मौसम कि देखने के काबिल है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी आप देखेंगे कि ये बादल जो है वो इस तरह लग रहे हैं जैसे आप कहीं तो खयालाती दुनिया में आ गए हैं, और बादलों का कलर आसमान के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और फार्म हाउस की साइड पे भी बादल जो है वो काफ़ी घने होने शुरू हो गए हैं, और नीचे सब्ज़ा और ऊपर नीला आसमान, सफ़ेद बादल जो है वो, और इसमें जो हल्के हल्के सुरमई कलर के बादल जो हैं वो तो एक अपना ही मंज़र पेश कर रहे होते हैं। इसी तरह इस साइड पे भी जो है वो सुरमई किस्म के बादल जो है वो छाना शुरू हो गए हैं, और हरियाली के ऊपर इनका जो कलर है वो तो माशाल्लाह बहुत ही उठता है, और दिल चाहता है कि बंदा खड़ा होकर घंटों तक इनको देखे। तो जी अभी मैं आ गया फार्म हाउस की तरफ और टेकें जो है वो चेक करें, और ये अजमत साहब काम करके आके थक के सो चुके हैं। असल में मैं आया था सिर्फ पानी पीने के लिए, बीमारी ने छापा मार दिया, और मतलब यहाँ पे हवा ऐसी मज़ेदार चल रही थी कि दिल चाह के थोड़ा सा लेट जाए तो वही इंजॉय कर रहे थे हम। तो ये जी यहाँ पे मैंने भी बिछाए हुए गत्ते, अभी चारपाइयाँ वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें नहीं लेके आए जिनके ऊपर लेटा जाए, चटाई एक लेके आए जिसके ऊपर अजमत लेटा हुआ है, और ये गत्ता है इसके ऊपर मेरी चीज़ें तो पड़ी हुई हैं, और अभी मैं भी यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा काम करने वाला है वो कर लेता हूँ। बाहर जो है वो थोड़ी गर्मी महसूस होनी शुरू हो गई थी, और यहाँ पे हवा की आमदोरफ्त जो है वो कुछ ऐसी है कि इस साइड से भी ये बरामदा जो है वो खुला है और उस साइड से भी खुला है, यहाँ से पीछे खिड़कियाँ लगी हुई हैं कमरों में, और खिड़कियों से भी हवा जो आती है वो इधर को बाहर आती है, और यहाँ से हवा जो चलती है माशाल्लाह बहुत ही ठंडा माहौल जो है वो यहाँ पे कर देती है। मेरे ख्याल में गर्मियों में एसी की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, हवा ऐसे ही चलती रही तो ऐसे ही बात है, माशाल्लाह जितनी ज़बरदस्त हवा यहाँ पे चलती है ज़रूरत नहीं है किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ की। यहाँ पे आके लेटें तो नींद इस कदर आती है कि बस ना ही पूछें तो दिल चाहता है कि बंदा फ़ौरन से सो जाए। और दूसरा इसके इर्द गिर्द जो है वो खेत हैं, खेतों में पानी जो है वो बारिश का लगा हुआ है, उसके अलावा फसलें जो है वो भी ठंडी होती हैं, और जब हवा इनके साथ टकरा के यहाँ से गुज़रती है तो वो फार्म हाउस का माहौल जो है काफ़ी ठंडा कर देती है। फार्म हाउस पे खिड़कियों और दरवाज़ों का काम करवाना था, उसके लिए मैं काफ़ी देर से वेल्डर का इंतज़ार कर रहा था, मैंने कॉल भी दो तीन दफ़ा की, तो अभी वो जो है वो पहुँच चुके हैं, तो अभी खिड़कियों और दरवाज़ों का साइज़ जो है वो देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। खिड़कियों की पैमाइश जो है वो शुरू हो गई है, और इसका साइज़ पहले लेते हैं जी। खिड़कियों की पैमाइश के बाद अभी पैमाइश हो जाएगी दरवाज़ों की, दरवाज़ों का साइज़ जो है वो ले लिया जाएगा। खिड़कियों की और दरवाज़ों की पैमाइश जो है वो हो गई है। इस साइड से फार्म हाउस का व्यू जो है इससे पहले मैंने आपको नहीं दिखाया था, माशाल्लाह इस साइड से भी जो व्यू है वो काफ़ी प्यारा लगता है, और इर्द गिर्द जो बादल हैं उनका व्यू भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये जो मक्की की फसल है ये लेट गई थी बारिश की वजह से, तो माशाल्लाह अभी थोड़ी थोड़ी जो है वो कहीं लेटी हुई रह गई है, बाकी खड़ी हो गई है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी जो है खड़ी हो जाएगी। बारिश की वजह से ये काफ़ी नीचे तय लग गई थी इसकी, और यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे ये खड़ी नहीं होगी, तो माशाल्लाह बारिश की वजह से इसके ऊपर काफ़ी जो है वो रंग रूप आ गया और देखने में काफ़ी प्यारी लग रही है। तो जानवर जो है वो भी घरों को वापस पलट गए हैं, ये देखें जी। तो आज की हमारी मसरूफ़ियत जो है वो कोई ख़ास नहीं थी, तोरियों की बेलें और कद्दू की बेलों को थोड़ी गोड़ी की, और उसके अलावा जहाँ पे खेलों में बीज कम थे वो बीज लगाए हैं, तो उसके अलावा जो है वो सिर्फ वेल्डर का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद अभी हम लोग जो है वो निकलेंगे वापसी के लिए, दरवाज़े और खिड़कियाँ कब तैयार होंगी जब होंगी वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो अजमत साहब भी फारग होकर बैठ गए हैं, अजमत साहब अभी कोई काम तो नहीं? मेरे हिसाब से तो काम काफ़ी देर से ख़त्म है, तो मैं तो कितनी देर से कह रहा हूँ चलें घर को चलें। अबू जान नमाज़ अदा करने लगे, नमाज़ अदा करते हैं तो उसके बाद फिर निकलते हैं। अजमत साहब बैग तैयार करके यहाँ लटका के बैठे हुए हैं, मेरे कुछ मोबाइल जो है वो बाहर थे अबू जान ने उठा के मुझे दे दिए हैं, और बैग जो है वो भी मेरा भी रेडी है। वीडियो मैंने एक्सपोर्ट पे लगाई थी, वो पता नहीं हुई है कि नहीं, मोबाइल इस वक्त जो है वो स्क्रीन ऑफ कर चुका है, और मोबाइल जो है वो भी मेरा इन दिनों ख़राब हो चुका है, डिस्प्ले जो है वो प्रॉपर नहीं दे रहा, कुछ इस तरह का डिस्प्ले दे रहा है।
अबू जान और अजमत जा रहे हैं एक मोटरसाइकिल पे, मैं निकलूंगा दूसरी मोटरसाइकिल पे और मैं अकेला जाऊंगा, क्योंकि अबू जान और अजमत जो है वो घर सीधे निकल जाएंगे, मुझे रास्ते में हो सकता है रुकना पड़े वेल्डर के पास और टाइम जो है वो लग सकता है, तो अबू जान और अजमत जल्दी निकल जाएंगे, मैं फिर रास्ते में रुकना पड़ा तो रुक के जाऊँगा। तो अभी यहाँ की जो चीज़ें हैं वो करते हैं, अल्लाह की सपोर्ट और खुद निकलते हैं घर।